नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। आज है 20 जुलाई 2020 और 20 जुलाई 2020 की आज की सभी बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। बागवानों को झटका, सेब सीजन में 5 रुपए प्रति पेटी बढ़ा ट्रक भाड़ा। सेब सीजन में ट्रक यूनियन ने 5 रुपए प्रति पेटी भाड़ा बढ़ा दिया। कोटखाई की ट्रक यूनियन ने बागवानों को डीजल के रेट बढ़ने की दलील देते हुए झटका दिया। बागवान भी फसल समय पर मंडियों में पहुंचाने की चिंता के कारण विरोध नहीं कर पा रहे। आज की अगली खबर है, रूस आज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फंसे हजारों विद्यार्थी कर सकेंगे टीजीटी। राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान रूस के गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के फेर में फंसे हजारों विद्यार्थियों को एक मुश्त रात देने की तैयारी शुरू हो गई है। कॉलेज स्तर पर एक शिकायत के 2 मुख्य विषय और 3रा विषय जमा 2 कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी टीजीटी के लिए पात्र हो गए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की इक्विवेलेंस कमेटी ने शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट सौंप दी। अब सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ही टीजीटी की बैच वाइज काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। खेली खबर है, लड़की की चोटी काट कर 2 नकाबपोश महिलाएं फरार, गांव में दहशत का माहौल। खबर है, हिमाचल के कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी क्षेत्र में महिलाओं की चोटी काटने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी के साथ लगती पंचायत कथोग में नकाबपोश 2 महिलाओं ने शनिवार दोपहर 12 बजे 14 वर्षीय लड़की की चोटी काट दी है। इसके बाद महिलाएं भाग गई है। लड़की के पिता ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि उनकी बेटी अपने चाचा के घर से पढ़कर वापस आ रही थी। रास्ते में 2 महिलाओं ने उनकी चोटी काट दी, बाद में वो महिलाएं फरार हो गई। HPU ने MPhil और PhD शोधकर्ताओं को दी बड़ी राहत, अधिसूचना जारी। MPhil और PhD के 100 छात्रों के साथ ही LLM MTech के विद्यार्थियों को भी इसमें अपना शोध कार्य और प्रोजेक्ट पूरे करने को बिना अतिरिक्त शुल्क समय मिला है। HPU की कार्यकारी परिषद में लिए फैसले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। लाइसेंस नवीनीकरण मामला, सहायक आयुक्त के निलंबन के बाद विभाग में हड़कंप। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन कार्यालय मंडी में पूर्व लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर हुई हेराफेरी मामले में मंडी में तैनात रहे सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निलंबन के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में कई कर्मचारियों पर विभागीय काज गिर सकती है। सोलन में एक साथ 25 लोग संक्रमित, कोरोना मीटर में टॉप पर पहुंचा जिला। खबर है, हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बीते दिनों में एकाएक बढ़ गया है। सोलन जिले में एक साथ कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले आए। इसके साथ ही जिला में संक्रमितों का आंकड़ा 331 हो गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 1500 से अधिक केस आज हिमाचल प्रदेश में हो गए। आज की अगली खबर है, जैसा कि आप जानते हो आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग भी है। बस किराए बढ़ाने पर कैबिनेट में हो सकता है फैसला, निजी ऑपरेटर यूनियन ने मंत्री से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में बसों के किराए पर बढ़ोतरी होगी या नहीं, इस पर सोमवार को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हो सकता है। बस ऑपरेटर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, बेसमान्य किराए में 50% तक की बढ़ोतरी करने की मांग कर रही है। आज की अगली खबर है, सेब सीजन में बागवानों की शिकायतों के लिए पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, हर गाड़ी का होगा पंजीकरण। खबर है, शिमला से सेब सीजन के दौरान ढुलाई व अन्य तरह की शिकायतों के लिए बागवानों को अब थाने व चौकियों में आने की जरूरत नहीं होगी, वे सीधे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। बागवानों की सहायता के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक शिमला ओमापति जम्बाल ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, सेब ढुलाई के लिए आने वाली हर गाड़ी का पंजीकरण किया जाएगा, बिना पंजीकरण किसी भी गाड़ी को ढुलाई की अनुमति नहीं होगी। कोरोना काल में हजारों अभ्यर्थियों ने दी DLED की प्रवेश परीक्षा, शिक्षा बोर्ड ने स्थापित किए थे 140 केंद्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से कोरोना काल के बीच DLED प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा के लिए 140 केंद्र स्थापित किए गए थे। कुल 21,200 के करीब अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। शिशु नाले में गिरे वाहन का 3 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग, बांगी से गाड़ी का मालिक पहुंचा मौके पर। खबर है, लाहौल के शिशु पुल से शुक्रवार शाम गिरे वाहन का रविवार को 3रे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वाहन बांगी कैब गाड़ी का मालिक भी रविवार को घटनास्थल पर पहुंच गया। पुलिस को नाले में टीन की चादर पर कुछ सामान मिला है। पुलिस ने वाहन मालिक को लाहौल में बुलाया था।
आज की अगली खबर है, आम आदमी पार्टी हिमाचल में शुरू करेगी सदस्यता अभियान, प्रदेश में देंगे तीसरा विकल्प संधू। आम आदमी पार्टी संगठनात्मक जिला नूरपुर की बैठक रविवार को पार्टी के राज्य अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सतपाल संधू की अध्यक्षता में हुई। सतपाल संधू ने उन्हें नई जिम्मेदारी देने के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद कहा। खबर धर्मशाला से, कोतवाली बाजार में गैस एजेंसी पर पेड़ गिरा, बिजली के तारे भी आई चपेट में, भारी नुकसान। तो क्या नुकसान हुआ वो आप अपनी स्क्रीन पर स्पष्ट देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में गैस एजेंसी कोतवाली बाजार के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया। गनीमत रहे कि इसकी चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। पेड़ गिरने से गैस एजेंसी सहित विद्युत विभाग को नुकसान हुआ है। आज की अगली खबर है, किन्नौर में बाढ़ से सेब के बगीचे तबाह, 5 नेपाली मजदूर किए रेस्क्यू। नजारा आप इस घटना का, इस तबाही का आप अपनी स्क्रीन पर स्वस्थ देख पा रहे हैं। आप आंगनबाड़ी में भी ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे बच्चे, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर तैयार करेंगे अध्ययन सामग्री। स्कूल और कॉलेज की तर्ज पर आप आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, इसके लिए स्टडी मटेरियल आंगनबाड़ी सुपरवाइजर तैयार करेंगे, जिसे व्हाट्सएप के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा, उनके द्वारा बच्चे के अभिभावकों तक पहुंचाया जाएगा। अभिभावक अपने बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई करवाएंगे। ये स्टडी मटेरियल थीम बेस होगा, जिसे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हर सप्ताह तैयार करेंगे। कैबिनेट में भेजा बस भाड़ा बढ़ाने का प्रस्ताव, सोमवार यानी आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा फैसला। WHO के दावे पर वैज्ञानिकों की मोहर, मच्छरों के काटने से नहीं फैलता कोरोना। चीन सीमा विवाद के बीच वायुसेना अधिकारियों की बैठक, बॉर्डर पर राफेल तैनाती पर होगी चर्चा। कोरोना पर चिंता, मानसून और सर्दी में बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आज 1500 से ऊपर जो कोरोना वायरस के मामले वो हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, रोजाना 20,000 से 30,000 नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात सामने आई है। शोधकर्ताओं द्वारा इस बात को स्वीकारा गया कि मानसून में कोरोना संक्रमण और फैलेगा। आज की अगली खबर है, मध्य प्रदेश में बदमाशों ने SBI के ATM को बम से उड़ाया, चुरा ले गए 22 लाख रुपए। खबर है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बदमाशों ने भारतीय स्टेट बैंक के ATM को बम से उड़ाकर 22 लाख रुपए चुरा लिए। सिमरिया भारतीय स्टेट बैंक के ATM में दो ज्ञात नकाबपोशों ने गार्ड को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया है। खबर है, बिहार से शराब मुक्त बिहार के अररिया जिले में पकड़ी 70 लाख रुपए की शराब। शराब मुक्त राज्य बिहार के अररिया जिले में 70 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग और पुलिस की ओर से चलाए गए इस संयुक्त अभियान में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राहुल का केंद्र पर निशाना, का कोविन GDP चीन घुसपैठ पर भाजपा ने झूठ को दिया संस्था का स्वरूप। खबर दिल्ली से, दिल्ली में अब तक 18 लाख से ज्यादा टेस्ट, देश में सामुदायिक संक्रमण की आशंका। तमिलनाडु के बाजार में आए सोने और चांदी के डिजाइनर मास्क, कीमत सुनकर रह जाएंगे हतंग। 2,75,000 रुपए गोल्ड मास्क की कीमत है, और सिल्वर मास्क यानी चांदी के मास्क जो है इसकी 15,000 रुपए के करीब कीमत रखेगी। साथ में 9 लोगों द्वारा इसके ऑर्डर दिए गए हैं। खबर शिमला से, शिमला में संजौली में भी लैंड हो सकेगा हेलीकॉप्टर, CM ने किया निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का दौरा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को शिमला शहर के उपनगर संजौली में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को हेलीपोर्ट का कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ये हेलीपोर्ट शिमला आने जाने वालों पर्यटकों के लिए बेहद सहायक सिद्ध होगा। खबर पालमपुर से, नगर परिषद पालमपुर 75 लाख की देनदार, बिजली विभाग ने रिकवरी को भेजा नोटिस। तो जो स्ट्रीट लाइट पालमपुर नगर परिषद में लगाई गई है, उसके चलते बहुत सारा बिल अब नगर परिषद को देना है बिजली बोर्ड का, और इसके लिए अब बिजली बोर्ड ने इसको नोटिस भेज दिया क्या है। आज की सबसे बड़ी खबर है, ना बैंक खाते, ATM कार्ड और OTP की जानकारी शेयर की, फिर भी निकाल लिया 1,20,000 रुपए। तो ना व्यक्ति ने अपना बैंक की कोई जानकारी किसी को दी, ना ATM की कोई जानकारी दी, ना OTP शेयर किया, फिर भी व्यक्ति के खाते से 1,20,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। जिला सिरमौर में एक हैरान कर देने वाली ठगी सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्र
डंडवाला में एक व्यक्ति के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति ने एक महीने के भीतर 1,20,325 रुपए की निकासी कर ली। हैरान करने वाली बात ये, व्यक्ति ना बैंक खाते की जानकारी थी, ना एटीएम कार्ड का पिन दिया, ना एटीएम शेयर किया, ना ओटीपी शेयर किया। बिना इसके इस व्यक्ति के अकाउंट से 1,20,325 रुपए काट लिए गए हैं। एसपी सिरमौर राजे किशन शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना नाहन में राम सिंह पुत्र स्वर्गीय सुखदेव सिंह निवासी कांडीवाला में वर्मा पापड़ी ने शिकायत दर्ज कराई। उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाहन शाखा में बचत खाता किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उसके बैंक खाते से 7 मार्च 2020 से 5 अप्रैल 2020 तक 1,20,325 रुपए निकाले गए हैं। आज के लिए खबर है, हिमाचल में बिना पास एंट्री को लेकर पुलिस से उलझा हरियाणा का व्यक्ति, एक पुलिसकर्मी घायल। रविवार सुबह प्रदेश में एंट्री को लेकर एक व्यक्ति ने नाके पर तैनात पुलिस कर्मचारियों से उलझ गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान चालक ने परमाणु बैरियर पर तैनात आरक्षी अजय कुमार को कुछ दूर तक घसीट कर जख्मी कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के एक सूखदार परिवार के दामाद का भाई अपने परिवार को लुधियाना से लेकर परमाणु बैरियर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहा था। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात 6 RRP बटालियन धोलाकुआ के आरक्षी अजय कुमार ने चालक को नाके पर रोका तो उसके साथ हाथापाई की और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। हिमाचल में जल्द होनी चाहिए भाजपा अध्यक्ष और मंत्री की नियुक्ति। सतपाल सत्ती। पीएम मोदी ने बाढ़ ग्रस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बैश सहित 4 चाइनीज कंपनियां कर रही भारत की जासूसी, कुंडली खंगालने में जुटी सरकार। भारत सरकार ने भारत में काम करी 4 ऐसी चाइनीज कंपनी की पहचान की जो चीन के पीपल लिबरेशन आर्मी PLA से संबंध रखती है। सरकार इन तमाम चीनी कंपनियों पर पैनी नजर रखते हुए इनकी कुंडली खोलने में जुट गई है। खबर उन्ना से, उन्ना में 2 माह की बच्ची समेत 4 और कोरोना पॉजिटिव, जिले में 162 पहुंचा आंकड़ा। कुलदीप राठौर कांग्रेस अध्यक्ष ने जड़ा आरोप, बोले सेब सीजन को लेकर गंभीर नहीं है प्रदेश सरकार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दावा, देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू, और बिगड़ सकते हैं हालात। सोलन सिरमौर में 52 मामलों के साथ हिमाचल में आज 64 नए केस। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 64 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में फिर एक बार प्रदेश में हड़कंप मच गया। आज आए 64 मामलों में सोलन और सिरमौर से 26, कांगड़ा में 5, ऊना से 4, हमीरपुर में 2, मंडी जिला का 1 मामला शामिल है। वहीं प्रदेश में आज 29 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इनमें सोलन के 17, कांगड़ा से 5, मंडी और हमीरपुर से 3, और ऊना से 1 मरीज ठीक हुआ है। हिमाचल में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1521 पहुंच गया है, जबकि 436 एक्टिव केस है। दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बाइक ने 2 मासूम बच्चों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 1 PGI रेफर। रविवार को सैतान सड़क पर नारीवाला के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे चल रहे 2 बच्चों को टक्कर मार दी है। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके दूसरे बच्चे को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल रेफर किया। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड नंबर की एक बाइक सैतान से पोंटा साहिब की तरफ आ रही थी, जिस पर 2 युवक सवार थे। इस दौरान नारीवाला के पास 5 बच्चे प्रियांशी अपने 3 साल भाई के साथ सड़क पर पैदल चल रही थी, तभी बाइक सवार ने जोरदार टक्कर लगा दी। ये थी आज 20 जुलाई 2020 की मॉर्निंग की सभी बड़ी खबरें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर। नमस्कार।